वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HBSAg टेस्ट क्या होता है, यह टेस्ट क्यों किया जाता है और इस टेस्ट से हमें किन किन डिजीज़ के बारे में पता चलता है और इस टेस्ट का क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों HBSAg टेस्ट बेसिकली हेपेटाइटिस बी को पता लगाने के लिए क्या जाने वाला एक बहुत ही कॉमन ब्लड टेस्ट है। इस टेस्ट के जरिए हम इस तरह से पता लगा सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उस हेपेटाइटिस बी वायरस के सरफेस पर एक खास तरह का एंटीजन या प्रोटीन होता है तो उसके खिलाफ उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी तैयार होने लगता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में हेपेटाइटिस बी वायरस के एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी मिलता है तो इसका मतलब है कि उसके बॉडी में हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। तो इसी के बेसिस पर हम HBSAg टेस्ट के जरिए हेपेटाइटिस बी वायरस का पता लगाते हैं। आमतौर पर बॉडी इस वायरस को 6 महीने के अंदर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश खासतौर पर बच्चों में इस वायरस को 6 महीने के अंदर यदि बॉडी बाहर नहीं निकाल पाता है तो उस कंडीशन में 6 महीने के बाद भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन लंबे समय तक पॉजिटिव आ रहा हो और वह सही से इसका ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहा हो तो उस कंडीशन में ये हमारे लीवर में सूजन और सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन भी पैदा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि HBSAg टेस्ट को क्यों किया जाता है। दोस्तों HBSAg टेस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ऐसा लगे कि उसे हेपेटाइटिस बी वायरस होने का संदेह है तो उस कंडीशन में भी आप HBSAg टेस्ट करा सकते हैं। बहुत से लोगों के शरीर में हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के शुरुआती स्टेज में उतने लक्षण नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जब यह लेटर स्टेज में एडवांस स्टेज में पहुँचता है तो बहुत ज़्यादा लक्षण देने लगते हैं। लेकिन शुरुआती स्टेज में बहुत ही कम लक्षण देते हैं, जैसे कि फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो उस कंडीशन में भी इस टेस्ट को परफॉर्म किया जा सकता है ताकि आप इस बात को पता लगा सकें कि हो सकता है कि उसके बॉडी में हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो। अब बात कर लेते हैं उन लक्षणों के बारे में जिसके नज़र आने पर आप HBSAg टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि बुखार रहना, माइल्जिया यानी कि मांसपेशियों में दर्द होना, जी मिचलाना, भूख कम लगना, स्किन और आँखों का रंग पीला पड़ना और पेट में दर्द रहना और पेशाब गहरे रंग का होना। यदि ये सभी सिम्टम्स किसी व्यक्ति के शरीर में नज़र आए तो आप कन्फर्मेशन के लिए HBSAg टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। हालांकि इसके अलावा भी कुछ सिचुएशंस डेवलप होती है जिसमें आपको HBSAg टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि यदि आपके परिवार या आपके संबंधित व्यक्ति को कभी लीवर डिजीज़ की समस्या रही हो या आप कोई हेल्थ केयर वर्कर हैं जो संक्रमित मरीजों के संपर्क में आते रहते हैं तो उससे संभावना है कि उसको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए वो भी HBSAg टेस्ट करा सकते हैं ताकि वो कंफर्म हो जाए कि हमें HBSAg यानी कि पॉजिटिव नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन हो सकता है यदि किसी कारणवश आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ जाए तो उस कंडीशन में भी आप HBSAg टेस्ट करा सकते हैं ताकि जिसको आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करा रहे हैं उसके शरीर में HBSAg पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं जाए, यानी कि हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड ब्लड उसके बॉडी में नहीं जाए। साथ ही ऐसे बच्चे जिनकी माँ HBSAg टेस्ट पॉजिटिव हों, इसके अतिरिक्त यदि किसी के हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट चल रहा हो तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी आप HBSAg टेस्ट करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो ऑन HBSAg टेस्ट। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।